पीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, पीपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि खास खबर पर। ले ये सूरज देवता अर्घ हमार, भइल अर्घ के देरी, उगते हुए सूरज को अर्घ के साथ लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व डाला छठ संपन्न। भगवान भास्कर वाह छठ माता के भक्ति में डूबा कर शहर से लेकर पूरा ग्रामीण क्षेत्र। वही पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। गंभीरपुर आजमगढ़ महापर्व छठ गुरुवार को प्रातः कालीन उदयभान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जिले के शहर सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्र में नदी घाटों और तालाबों जलाशयों पर लोग फटने के पहले ही जुटने लगे थे। पूजा के दौरान सुरक्षा सुविधा व कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन कार्यरत रहा। उगते हुए सूरज को अर्घ के साथ महापर्व संपन्न। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ आज उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। गुरुवार की सुबह जैसे ही पूरब दिशा में सूरज की लालिमा दिखाई दी, नदी के विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों का अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया। जिले के सभी घाटों पर सुबह 4 बजे से ही लोगों को आना शुरू हो गया। छठ व्रतियों के साथ साथ काफी संख्या में उनके स्वजन भी नदी तालाब के किनारे पहुंच दर्शन पूजन करने नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र के गंभीरपुर कोनौली स्थित बाबा विश्वनाथ दास मंदिर जलाशय, शिव मंदिर जलाशय, बिंद्रा बाजार स्थित राम जानकी मंदिर जलाशय, जलऊ कलंदरपुर, दयालपुर, विषया समेत अनेक घाटों पर गुरुवार को सुबह लाखों छठ व्रतियों ने उगते हुए सूरज को अर्घ प्रदान किया। घाटों पर अर्घ देने के साथ ही हवन भी किया गया, जिसमें नदी तट पर सुगंधित वातावरण बन गया। छठी माई के गीतों से घाट गुंजायमान रहे। काफी संख्या में छठ व्रतियों ने नदी तालाब किनारे बने प्राचीन मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। अर्धवा पूजा अर्चना के बाद छठ व्रती अपने घर रवाना हो गए। अर्घ के बाद महाप्रसाद का वितरण शुरू हुआ। लोग प्रसाद मांग मांग कर खा रहे थे। आज देखिए नवरंगी प्रजापति की खास रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।